Okay, good morning students. Once again, we are starting from chapter 3. Hamara 3.1 pura complete ho gaya. Now move on to 3.2. And our next topic is addition of matrices. And this topic is really very, very, very easy. Right? Addition of matrix, that means if matrix A and B are of the same order, then a matrix obtained by adding their corresponding element is called the sum of the matrix. Agar simple language mein kahe to matrix A aur matrix B dono ko agar aap add karoge, right, to uski sabse pehli condition hai ki dono ka order same hona chahiye. अगर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो आप कह सकते हो कि एडिशन इज नॉट डिफाइंड. ये दोनों का एडिशन कैसे होगा? तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ हम ए और बी को ऐड करना है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, सेम सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट, राइट. ऐसा करके आप ए और बी को ऐड कर सकते हो और ये दोनों का ऑर्डर जो सेम होगा उसके एडिशन का ऑर्डर भी वही रहेगा सेम. Let's look at example. For example, suppose A is equal to 2, 3, minus 1, minus 4, 2, and 1. And B is equal to minus 3, 0, 4, and 1, 5, minus 2. आप देख सकते हो कि ये दोनों का ऑर्डर सेम है, ये दोनों का ऑर्डर सेम है. वंस अगेन, बी माइनस थ्री एंड वन, जीरो एंड फाइव, फोर एंड माइनस टू. आप देख सकते हो कि दोनों का ऑर्डर सेम है. ए का ऑर्डर है 3x2 और बी का ऑर्डर भी है 3x2. अगर हम ये दोनों को ऐड करते हैं, राइट, तो आप सबको पता है कि बहुत ईजी है फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट के साथ, यानी कि 2-3, सेकंड के साथ यानी कि -4+1, जो साइन है एडिशन में तो वही रखनी है, 3+0, 2+5, -1+4 और 1-2. आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आपको समझाने के लिए मैंने सारे स्टेप फॉलो किए हैं, यानी कि और आंसर इज -1, -3, 3, 7, 3 and -1, और उसका ऑर्डर भी आपका क्या रहेगा, 3x2. सो आप सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही सेम कर सकते हो, राइट. इसकी जो प्रॉपर्टीज है, लाइक एडिशन इज कम्यूटेटिव, एडिशन इज एसोटेटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, वो सब मैं आपको PDF में सेंड कर देता हूँ. वो आप सबको नोटबुक में लिखना है, जो एकदम सिंपल है. सो वंस अगेन, एडिशन सबको पता चल गया, सब्ट्रैक्शन भी सेम ऐसे ही करना है, आप सबको आता ही है, जो साइन आएगी वो आपको फॉलो करनी है. नेक्स्ट टॉपिक इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन. सो व्हाट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन? तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन दैट मींस, अगर हम यही एग्जांपल ले, ए और बी आपको गिवन है, और अगर कोई आपको फाइंड करने का है कि ये कहे कि 3a-2b, तो सबसे पहले आपको ए को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 into a - 2 into b, वेर ए इज इक्वल टू 2-4, 3, 2, -1 and 1, एंड वेर बी इज इक्वल टू -3, 1, 0, 5, 4, -2. सो इजीली अब आप क्या करोगे, ए को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 3 × 2 = 6. ईच एंड एवरी एलिमेंट स्केलर मल्टीप्लीकेशन, यानी कि आपको कोई स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है. अगर वो स्केलर मैट्रिक्स के अंदर जाएगा तो ईच एंड एवरी मेंबर, ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. तो फर्स्ट स्टार्ट विथ फर्स्ट, 3 × 2 = 6, और 4 × 3 = -4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, -1 × 3 - 3, 3 × 1 = 3, माइनस. सेम इसको किससे स्केलर करना है, 2 से. आप -2 से भी कर सकते हो, -2 से अगर मल्टीप्लाई किया तो ये साइन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव. अगर आप 2 से करते हो तो ये साइन नेगेटिव ही रहेगी. तो आप -2 से भी कर सकते हो. टेक्स्ट बुक वाले ऑलवेज ये करेंगे, -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर प्लस रखेंगे. हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, आंसर सब में सेम आएगा.
So here is it is, your answer is minus 6, 2, 0, 10, 4, 2 is 8 or minus 2, 2 is 4. अगर आप ये दोनों को माइनस करते हो, 6 माइनस माइनस 6, तो माइनस माइनस, प्लस 6 प्लस 6, 12, माइनस 12 माइनस 2, माइनस 14, 9 माइनस 0, 9, 6 माइनस 10, माइनस 4, माइनस 3 माइनस 8, यानि कि माइनस 11, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 4, प्लस 4 माइनस 3, योर आंसर इज 1. राइट तो ऐसा ही सबसे इजी टॉपिक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, उसकी सारी प्रॉपर्टीज, स्केलर मल्टीप्लिकेशन. नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, बट जो अभी हम नहीं करने वाले हैं. तो यहां से आपको जो मैं होमवर्क दिखा रहा हूं, उतना होमवर्क करने के बाद आप मुझे मैसेज कीजिए कि सर इतना कंप्लीट हो गया है. राइट योर होमवर्क इज 3.2. क्वेश्चन नंबर में 5 क्वेश्चन है, वन में पांच क्वेश्चन है, उसमें से आपको पहले 3 ही करने हैं. क्वेश्चन 1 ए बी सी. ओके इन क्वेश्चन 2 पूरा आपको सॉल्व करना है. आपको क्वेश्चन 1 में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, क्वेश्चन 2 पूरा करना है, क्वेश्चन 3 अभी फिलहाल आपको नहीं करना है. यू कैन ट्राई विथ क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 इज ऑल्सो वी कैन ट्राई. क्वेश्चन 7 में आपको उल्टा जाना है, x और y गिवन है, यानी कि एलिमिनेशन मेथड करनी है. x एंड y गिवन है, उसका हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन 7 सेकंड क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है आपको 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2340, और सेकंड इक्वेशन दी हुई है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 एंड 5. तो आप देख सकते हैं कि आपको x एंड y उल्टा जाना है. अब तक हम क्या करते थे, अब तक हम लोगों ने क्या किया कि हम फाइंड करते थे 3a माइनस 2b, a और b गिवन था और हम फाइंड करते थे 3a माइनस 2b. अब उल्टा है, मान लो कि आपको ये गिवन है और आपको उल्टा x और y फाइंड करना है, तो आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड, या तो x को सेम लेके आओ या तो y को सेम लेके आओ. अगर आपको y को सेम लेके आना है तो इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, और ये इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से. दैट्स वाई 3 2 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2 3 6 y हो जाएगा और वो हम दोनों को एलिमिनेट कर देंगे लास्ट. इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 6y, और इस साइड भी पूरे मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 और 0 2 जा 0. वंस अगेन इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 और 5 3 जा 15. तो आप सबकी साइन चेंज करके इजीली फाइंड कर सकते हो. 4x माइनस 9x माइनस 5x, 6y 6y कैंसल आउट. हियर इज इट इज 4 माइनस 6 माइनस 2, 6 माइनस माइनस 6 यानी कि 6 प्लस 6 12, 8 माइनस माइनस 3 प्लस 11, 0 माइनस 15 माइनस 15. अगर ये माइनस 5 अगर मैं डिवीजन में भेज देता हूँ, सो माय आंसर शुड बी माइनस 2 12 11 माइनस 15. आप इसको बाहर भी रख सकते हो और अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो. अगर अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस 1 बाई 5 अंदर चला गया तो माइनस माइनस प्लस 2 बाई 5 माइनस 12 बाई 5 माइनस 11 बाई 5 प्लस 15 बाई 5 यानी कि 3. सो ये आपका आंसर. क्लियर? अगर x मिल गया तो y भी मिल सकता है. कैसे? x की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो मुझे y मिल जाएगा
तो आप सब y खुद से फाइंड कर सकते हो, राइट। और नेक्स्ट होमवर्क इज क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11 एंड क्वेश्चन 12, यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। ओके डन। सो योर टुडे होमवर्क इज, अगर शॉर्ट में अगर बता दूँ तो एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 1 to 12, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन 4 नहीं करना है और क्वेश्चन 1 का 4 and 5 नहीं करना है। क्लियर डन। ओके, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो या फिर मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू।